वैसे तो यार देखो, मुझे जहां तक लगता है तुम अगर YouTube पे जाके सर्च मारो ना, इस टाइप के वीडियोस या फिर इस टॉपिक के वीडियोस यार YouTube पे सैकड़ों मिल जाएंगे। लेकिन मैं जो आज कहने वाला हूँ ये उनसे थोड़ा सा अलग तुम्हें देखने को मिलेगा। अब देखो यार, हम सबको मालूम है वानो आर्क में लूफी को जितना पावर अप मिला है शायद ही आज से पहले कोई और आर्क में मिला होगा, या फिर वन पीस का पूरा इतिहास अगर हम उठा के देख ले तो भाई जितना लूफी ने एक एक आर्क में धीरे धीरे करके पावर अप मिला था या फिर गेन किया था या फिर कोई फाइटिंग टेक्निक सीखा था या फिर हॉकी सीखा था, उससे ये कई ज्यादा आगे बढ़ चुका है। बिकॉज यहां पर आने के बाद सिर्फ इसी आर्क में ही यहां आया, जैसे ही पहली बार कुटाया उसके बाद वो जा करके रियो सीखा, फिर आके भाई एडवांस कॉन्करर हॉकी सीखा, उसके बाद हमें गियर फोर स्नेकमैन का एक नया वर्जन देखने को मिला, फिर अब डेविल फ्रूट अवेकनिंग, और अवेकनिंग के आने के बाद तो भाई वो काइडो के खिलाफ वो डोमिनेट कर रहा था। पर फिलहाल के मांगा चैप्टर में लेटेस्ट वाले में जिस हिसाब से काइडो ने भी अपना अवेकनिंग दिखाया, वो जलता हुआ ड्रैगन बन गया भाई, बहुत ज्यादा था भाई। दोनों का फाइट मतलब यहाँ पे साफ साफ ओडा ने बता दिया कि भाई एक तरफा खत्म नहीं होगा, दोनों में घमासान फाइट होगा, दोनों एक दूसरे का मुंह तोड़ेंगे और फिर हमें लास्ट में जा करके विनर मिलेगा। अब यार देखो, हम सबको मालूम है लास्ट में हीरो ही जीतता है, और हम लोग मान लेते एक टाइम के लिए कि लूफी ये फाइट को जीत जाएगा, जो कि ऑब्वियसली सबको मालूम है यार कि इस आर्क में काइडो का हारना है और लूफी का जीतना है। अब हाँ, ऐसा हो सकता है फाइट कुछ और ही अगर रिजल्ट ला दे, कोई और आके डिस्टर्ब कर दे या फिर कुछ और ऐसा हो जाए, वो ओडा का मर्जी है। लेकिन यहाँ पर देख के तो यही लग रहा है कि लूफी फाइट को जीत जाएगा और बहुत ज्यादा घमासान फाइट हमें देखने को मिलेगा। बट इस आर्क के बाद पूरे वन पीस के वर्ल्ड में जितने भी मरीन्स हैं या फिर दूसरे पायरेट्स हैं, वो लोग लूफी को एज ए थ्रेड के रूप में सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। लेकिन भाई तुम ही जरा सोचो, इस आर्क में लूफी को जिस लेवल का पावर अप मिला है, यहाँ पर एक सवाल भी उठता है कि आखिर लूफी कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, क्या वो लेजेंड्स को भी हराने का दम रखता है? तो देखो, मेरे को ऐसा नहीं लगता। अब मैं लेजेंड वर्ड जब भी यूज करूंगा, तुम सब समझदार हो मैं किनकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं रॉजर वाइट बियर्ड एंड हीरो ऑफ द मरीन मंकी डी गार्प की। अब रॉस डी ज़ेबक का लेवल एक अलग ही मुकाम पे है, उसका बात हम लोग नहीं करेंगे। हाँ, लूफी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, और एक चीज जरा तुम ध्यान देना, मांगा चैप्टर 1001 या फिर जो लोग एपिसोड वॉचर है एपिसोड 1016 वो वाला तुम देखना, वहां पर जब काइडो मार खा के उठता है लूफी से, मतलब रेड रॉक जब पड़ता है, उसके बाद काइडो उठ के ये सोचता है और फिर वो कहता है सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं जो उससे फाइट करने की ताकत रखते हैं। और वहां पर हमें कुछ कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जिनमें से एक सैंक्स था, ओडेन था, व्हाइट बियर्ड था, रॉजर था एंड ज़ेबक था। अब देखो, अगर हम सिर्फ यही चीज सोचे कि बस यही कैरेक्टर उससे फाइट करने के केपेबल हैं, तो ये तुम गलत सोच रहे हो। बिकॉज हम सबको मालूम है प्राइम लिलिन वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, और वो भी एक योंको है, प्लस हीरो ऑफ द मरीन मंकी डी गार्प भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। शायद हो सकता है कि काइडो गार्प से भिड़ा ही नहीं होगा कभी। और सेकंड चीज ये निकल के आ सकता है, लिलिन के साथ काइडो जब लिलिन के साथ फाइट किया उस वक्त लिलिन अपने प्राइम में नहीं थी, और जब लिलिन अपने प्राइम में थी उस वक्त काइडो बच्चा था, बस 17 साल का उम्र का था। तो हाँ, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज निकलते हैं कि काइडो ने किस लिए लिलिन और गार्प को नहीं सोचा। पर मैं यहाँ पर लिलिन को बीच में नहीं लाना चाहूंगा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मंकी डी लूफी की, कि आखिर लूफी कितना ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। अब हाँ, इस आर्क के बाद लूफी काइडो को हरा देगा तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा और पूरा वर्ल्ड उसको थ्रेड के रूप में लेने लग जाएगी। साथ ही साथ उसके पास क्या नहीं है, एडवांस कॉन्करर हॉकी से लेके भाई फ्रूट अवेकनिंग तक है। अब हाँ, तुम जरा एक और चीज पे ध्यान देना, मांगा के एक चैप्टर में खुद काइडो रॉजर के बारे में बात करता है, और वहां पर वो रिवील करता है कि जो रॉजर था वो नॉन डेविल फ्रूट यूजर था, उसके पास कोई डेविल फ्रूट पावर नहीं थी। प्लस हमें वहां पर एक और चीज बताया जाता है, वो बिना डेविल फ्रूट के पूरे वर्ल्ड पे राज किया था, पायरेट किंग बना था। और अगर वो डेविल फ्रूट यूजर नहीं था तो वो क्या था भाई, वो एक हॉकी यूजर था, और उसका हॉकी इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि भाई वो वर्ल्ड के स्ट्रांगेस्ट में से गिना जाता था, उसका राइवल वर्ल्ड का स्ट्रांगेस्ट मैन था भाई। और लूफी अभी तक भाई वो गोल्डी रॉजर के लेवल का नहीं हुआ है। हाँ, वो काइडो को हरा देने से वो रॉजर के लेवल का नहीं हो जाता, क्योंकि हम सबको मालूम है काइडो और रॉजर के बीच में पावर लेवल में कितना ज्यादा फासला है। अब यहाँ पे एक और डाउट तो तुम्हारा क्लियर कर दिया कि भाई वो रॉजर के आगे कुछ नहीं है फिलहाल के टाइम पे।
हाँ फ्यूचर में और ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, और एट द एंड फ्यूचर में हो सकता है लूफी इस सीरीज का सबसे स्ट्रांगेस्ट कैरेक्टर भी बन जाए, पर फिलहाल के टाइम पे लूफी रॉजर के सामने नहीं टिकेगा। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाइट बियर्ड एंड गार्प की। तो एक चीज याद रखना, गार्प, व्हाइट बियर्ड एंड रॉजर का पावर लेवल सेम था। बात करूं पहले व्हाइट बियर्ड की, मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं इन दोनों का पावर लेवल कितना ज्यादा खतरनाक था। दोनों का क्लास किस हिसाब से होता था भाई, ओडिन जैसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का उनके आगे कुछ औकात नहीं था भाई। इनका पावर लेवल तो बहुत ज्यादा खतरनाक था और दोनों का पावर लेवल सेम है। साथ ही साथ अगर तुमको फिर भी डाउट है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि रॉजर के डेथ के बाद व्हाइट बियर्ड को वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल मिला, तो ऐसा नहीं है। ओडा ने खुद विवरे का डाटा बुक में जब व्हाइट बियर्ड के बारे में बताया तो वहां पर साफ साफ ये लिख दिया कि ग्रेट पायरेट एरा के पहले से ही व्हाइट बियर्ड को वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कहा जाता था। तो यहाँ पर हमें साफ साफ मालूम पड़ जाता है कि व्हाइट बियर्ड रॉजर के टाइम पे भी वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था, और इस वजह से इन दोनों का पावर लेवल सेम था भाई। तो यहाँ पर भी एक बात समझ लो, अगर लूफी रॉजर के लेवल का नहीं हुआ जो कि हमें बता दिया गया है, तो हाँ वो व्हाइट बियर्ड के लेवल का भी नहीं हुआ। और साथ ही साथ मैं यही चीज कंसिडर करूंगा गार्प के साथ भी। अब तुम बोलोगे भाई मैं गार्प को क्यों ला रहा हूँ बीच में, तो देखो जब रॉजर और गार्प आपस में कन्वर्सेशन करते हैं तो वहां पर भाई खुद रॉजर ने ये बात बोला है, दोनों ने एक दूसरे को लगभग मार दिया था, वो भी बहुत बार, और इन दोनों के बीच में बहुत बार फाइट हुए जहां पर फाइट का डिसीजन अभी तक रिवील नहीं किया गया, और इन दोनों का फाइट बहुत ज्यादा घमासान निकलता था भाई। एक और हीरो ऑफ द मरीन तो दूसरी ओर पायरेट किंग, और इन दोनों का पावर लेवल भी सेम था। साथ ही साथ इन दोनों में एक और सिमिलैरिटी है, दोनों ही नॉन डेविल फूट यूजर थे, मतलब जब भी दोनों का फाइट होता था तो दोनों भाई हॉकी के बेसिस पे फाइट करते थे, हॉकी फाइट होता था दोनों का। तो यहाँ पर भाई साफ साफ तुम सबको समझ में आ गया होगा कि भाई गार्प भी इन्हीं के लेवल का है, इन दोनों का पावर लेवल सेम था। तो यार समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ, लूफी अभी तक इनके लेवल का नहीं हुआ। खैर तुम सबका क्या मानना जरा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना। साथ ही साथ अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारो यार, और अगर तुम घूमते घामते इस चैनल पे नए आ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना यार, जिससे बात कर सको। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।